ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या कि उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है पैरों में कुछ थकान रहे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड पार्ट रेशियो प्रोपोर्शन के में, ठीक है। आज सेकंड वीडियो है, देखिए पिछले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छा आपका जो प्यार रहा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 32, ठीक है ठीक है। ये देखिए ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में राशि है, यदि ए बी को 10 रुपए देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है, ठीक है। तो आरंभ में उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी, देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एक बार मैं यहां लिख और देता हूं। ऑप्शन है पहला 45 और 25, दूसरा है आपका 35 25, तीसरा है देखिए 60 और 50, और चौथा क्या है 70 और 45। देखिए क्वेश्चन दोबारा एक बार सुनिए, ए और बी के पास 9:5 के अनुपात में राशि है, ठीक है, किसके में 9:5 के अनुपात में राशि है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बताया इसने, यदि ए को 10 रुपए देता है, यदि ए बी को 10 रुपए दे रहा है, ए किसे दे रहा है, ए जो है बी को 10 रुपए देता है, तो उनके पास जो राशि का अनुपात है पहले कितना था, पहले था आपका 9:5 था, और अब राशि का जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1:1, मतलब बराबर बराबर हो जाते हैं। तो इनमें से बताना है कि उनके पास कितने कितने रुपए थे, ठीक है। हम देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान रहता। देखिए हमने मान के चल रहे हैं, नीचे से ऑप्शन उठाते हैं, नीचे से पहले से उठा लीजिए, ठीक है। अब मान चलो ए के पास पहले कितने रुपए थे, 35 थे, और बी के पास कितने थे, ये एक ही वो है रकम और ये बी की है, ए के पास कितने थे 45 और बी के पास कितने थे 25 रुपए। ए ने बी को दे दिए कितने रुपए, 10 रुपए, कैसे दे दिए, ए ने दे दिए बी को 10 रुपए, तो ए बी के पास कितने हो गए, इसके पास हो गए 35 रुपए, और इसके पास कितने बचे, इसके पास भी 35 बचे। तो यदि हम अनुपात में काटेंगे तो 1:1 आ गया, 1:1 आ रहा है, ये हमारा सही हो रहा है। अब देखें किसी और ऑप्शन को देखते हैं, क्या उससे सही आएगा या नहीं। हम देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 को, इसके पास कितने थे 35 रुपए, इसके पास 25 रुपए। अब ए ने बी को 10 रुपए दे दिए, तो इसके पास कितने बचे, इसके पास 25 बचेंगे, लेकिन इसके पास कितने हो जाएंगे 35, तो ये ऑप्शन हमारा ए अनुपात 1:1 नहीं बैठेगा, ठीक है। अगला देखेंगे 60 और 50, यदि 60 रुपए में से 10 रुपए 50 वाले को दे दे तो इसके पास 60 हो जाएंगे, लेकिन इसके पास कितने बचेंगे, 50 बच जाएंगे, ये भी गलत है। इसे देखेंगे 45 और 70, 70 45 से 10 देंगे तो इसके पास कितने हो जाएंगे 55 रुपए, और इसके पास कितने बचेंगे 60 रुपए, तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपके एसी मैथ का क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। इसमें है कि देखिए ए और बी का वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है, कितने में है, ए और बी का वेतन कितना है 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 रुपए बढ़ जाता है, इन दोनों का वेतन कितने कितने रुपए बढ़ जाता है, 70,000 रुपए ही ए का बढ़ जाता है, 70,000 रुपए ही किसका बढ़ जाता है, बी का बढ़ जाता है, ठीक है। तो उनके उनका जो नया अनुपात हो जाता है वो हो जाता है 5:6, नया अनुपात कितना हो गया 5:6 हो गया। तो इसने पूछा है कि ए का जो वर्तमान वेतन कितना है, मतलब जो वर्तमान में जो कितना वेतन है, ठीक है, ये बढ़ने के बाद कितना हो जाता है 5:6, ठीक है। पहले कितना था इसका, बढ़ने से पहले 3:5 था। देखो यहां पर देखेंगे पहले ए के पास कितने रुपए थे, क्या रुपए मिलते थे, 3, और अब कितने मिल गए, 5 हो गए, तो कितने रुपए बढ़ गए हैं, यहां बढ़े 2 रुपए, ठीक है। अब देखेंगे बी को, इसने कहा प्रत्येक के 70,000 बढ़ रहे हैं, तो दोनों का जो दोनों का यहां पर जो अनुपात में बढ़ा हुआ जो हिस्सा रहा वो समान होना चाहिए। अब देखिए पहले बी को क्या रुपए मिल रहे थे, 5 रुपए, अब कितने मिल रहे हैं, 6 रुपए, तो अब यहां पर कितने बढ़ रहे हैं, यहां पर बढ़ रहा है 1 रुपए। जब यदि ये समान ना हो तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए हम बोलते हैं देसी भाषा में कि जो दोनों अनुपातों के बीच का झूला डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, झूला डाल देते हैं। झूला में कितने का अंतर है, 3 और 5 में 2 का, यहां पर कितने का अंतर है, 1 का। जो नीचे वाले झूला का मान है उससे हम ऊपर गुणा कर देंगे ऊपर वाले अनुपात में, जो ऊपर वाले झूला का मान है उससे हम नीचे वाले अनुपात में गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए नया अनुपात कितना आ गया, 3:5, और यहां पर कितना आ गया, 10:12 आ गया। मतलब पहले ए जो है कितने रुपए कमाता था, 3 रुपए कमाता था, और कै रुपए कमा रहा है, 10 रुपए, तो कै रुपए बढ़ गए इसके, 7 रुपए बढ़ गए। बी पहले 5 रुपए कमाता था, 12 रुपए कमा रहा था, तो कै रुपए बढ़ गए, 7 रुपए बढ़ गए। तो देखिए दोनों का समान आ गया बढ़ा हुआ हिस्सा, 7 ही रुपए उसके बढ़ रहे हैं, 7 ही रुपए उसके बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में भी यही कहा कि प्रत्येक के 70,000 रुपए बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर बढ़ रहे हैं 7 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कितना बता रहा है, प्रत्येक के 70,000 बढ़े हुए, कितने 70,000 बढ़े हुए,
तो बढ़ी हुई यूनिट से बढ़े हुए जो पैसों को काट देंगे, 770 कितनी बार कट गया, 10,000 बार कट गया। ठीक है भाई, अब देखिए इसने क्या कहा है कि ए का वर्तमान वेतन कितना है। तो वर्तमान वेतन का मान कितना है हमारा, पहले वाला था भाई बढ़ने से पहले, तो एक यूनिट की वैल्यू यदि हमारी 10,000 है तो देखिए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी 30,000 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 30,000 हो जाएगी। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन को, देखिए इसमें बताया है कि ए और बी का वेतन जो क्रमशः 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 बढ़ जाता है, 70,000 बढ़ जाता है तो नया अनुपात 5:6 के अनुपात में हो जाता है। ठीक है, तो इसने बोला है कि ए का वर्तमान वेतन क्या होगा। देखिए हमने अनुपात निकाले, हमारे यहाँ पर बढ़ा हुआ वेतन समान नहीं आ रहा था इनका अनुपात, तो हम क्या कर लेते, झूला डाल ली ऊपर वाले झूले से नीचे वाले अनुपात में बढ़ा, नीचे वाले झूले से ऊपर वाले अनुपात में बढ़ा, तो हमारा अनुपात हमारे अंतर जो है समान आ जाता है। यहाँ पर 1 रुपए बढ़े दोनों के, प्रत्येक के 7 रुपए बढ़े, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 70,000 दे रखा है, तो 7 से हम 70,000 को काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 10,000 आएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू 10,000 है, तो जो वर्तमान जो उसका जो वेतन पूछा जा रहा है तो कितना होगा, 10 × 30, तो कितना होगा 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब देखिए इसी मैथ का क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी देखिए ऑप्शन पे याद आ रहे थे क्वेश्चन। इसमें देखिए दे रखा है कि खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों और रजत पदकों की कुल संख्या कितनी है, 85 है। टोटल संख्या कितनी है जो पदक जीते हैं, 85 पदक जीते हैं। इसमें क्या है, इसमें गोल्ड भी है और क्या है, सिल्वर दोनों है, गोल्ड और सिल्वर दोनों पदक जीते हैं, 85 संख्या कितनी है, 85। ठीक है, भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। इसमें ऑप्शन दे रखे, देखो ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए कितना है, 2:3 है, बी कितना है देखिए 12:13 है, सी कितना है, सी है इसमें 9:8 है, और आपका डी कितना है, इसमें डी आपका 12:5। देखिए इसमें क्या क्या गया, कहा गया है, देखिए ये गोल्ड हो गया, ये होगा सिल्वर, ये गोल्ड और ये सिल्वर, सबका पहला वाला जो गोल्ड है दूसरा क्या है, सिल्वर है। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हम टैकल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कितने टोटल कितने, इसमें कहा है कि निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, 3 हो सकते हैं, 1 नहीं हो सकता, हमें जो नहीं हो सकता उसे बताएंगे। सबसे पहले वाले में लेते हैं, यदि इन्होंने 2 गोल्ड जीते होते और 3 सिल्वर जीते होते, टोटल जो पदक कितने होते भाई, टोटल पदक कितने होते, टोटल पदक होते 5, और जीते कितने हैं 85, 5 से 85 डिवाइड है 17 × 85, तो इतने तो भाई हो सकते हैं, ये तो हमारा सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर 9 गोल्ड जीते होते और 8 जीते होते सिल्वर, तो कितने हो गए दोनों जोड़ के, 9 और 8 17, 17 से क्या 85 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, ये भी सही है भाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 12 और 13, यदि 12 गोल्ड जीते होते और 13 सिल्वर जीते होते तो 12 और 13 कितने हो गए, 25, 25 से क्या 85 डिवाइड हो जाएगा, 25 से 85 डिवाइड नहीं होता है, तो ये हमारा क्वेश्चन ये जो है क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 12:13। डी को देखने एक बार चेक करके, 12 और 5 17, 17 से 85 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से हमने देखी ऑप्शन से जो टैगल किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दिया है कि गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों का अनुपात कितना है, 3:8 है। कितना है बाजार मूल्यों का अनुपात, गेहूं और चावल इनका अनुपात दिया है भाई 3:8, कितना दिया है मूल्यों का अनुपात, 3:8, मतलब यदि 3 रुपए किलो गेहूं है तो चावल का मूल्य कितना है, 8 रुपए किलो का है। ठीक है भाई, ये दिया है हमारा मूल्य, ठीक है ना, ये हमारा मूल्य दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, और एक परिवार द्वारा इनकी खपत की मात्राओं का अनुपात कितना है, 16:3 है। कि यदि खपत देखते हैं, खपत कितनी है, यदि ये देखिए 16:3 कितनी है, 3, यदि गेहूं को 16 किलोग्राम खर्च किया जा रहा है एक परिवार के द्वारा, तो चावल कितना खर्च किया जा रहा है, 3 किलोग्राम। ठीक है भाई, मूल्य देखिए, मूल्य गेहूं का 3 रुपए किलोग्राम है, माल चल रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार, और चावल का है 8 रुपए प्रति किलोग्राम। खपत देखते हैं, खपत जिसमें क्या है, एक परिवार कितना खर्च कर रहा है 16 किलोग्राम, जहां गेहूं कर रहा है तो चावल कितना कर रहा है, 3 किलोग्राम। आगे इसमें बताया गया है गेहूं और चावल के लिए किए जाने वाले व्यय का अनुपात क्या होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें मान के चलिए कि एक परिवार 2 प्रकार के अनाजों का यूज करता है, प्रयोग करता है, अनाज और आपके गेहूं और क्या, चावल। ठीक है, गेहूं का मूल्य कितना है, 3 रुपए किलोग्राम है, और एक एक महीने या एक दिन में कितने रुपए, कितने किलोग्राम खर्च करता है एक महीने में, 16 किलोग्राम। तो देखिए 3 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 16 किलोग्राम गेहूं जब खरीद के लेके आए तो कितने रुपए खर्च किए उसने, 16 × 3 = 48 रुपए खर्च कर दिए किसमें, गेहूं खरीदने पे। अब यहां पर चावल पे देखते हैं,
चावल खरीदे उसने 8 किलोग्राम और कितने किस भाव से 3 रुपए किलोग्राम के हिसाब से, तो कितना हो गया 8 कितने रुपए दिए उसने, इस पर कितने खर्च करिए 8 24 रुपए। मतलब इसने जो गेहूं खरीदने में कितने रुपए खर्च करे, गेहूं पर कितने करे एक महीने में 48 रुपए और चावल पर कितने करे 24 रुपए। इसमें देखिए क्या पूछा है, इसमें पूछा है किए जाने वाले व्यय का अनुपात कितना होगा। भाई यदि इसमें दिया है यदि 48 रुपए गेहूं पर करता है तो 24 रुपए किस पे करता है, चावल पर करता है। हमसे अनुपात पूछा था, अनुपात बन जाएगा 24 एकम 24 और 24 दुनी 48, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2:1, यही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया है कि यदि 4648 रुपए की धनराशि 3 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुने और तीसरे भाग के 7 गुने के बराबर होता है, तो दूसरे और तीसरे भाग के बीच का अंतर कितना है। देखिए ऐसे ये क्वेश्चन सिर्फ उसी पर आधारित है जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला लिखा था, जो दूसरे नंबर पर कराया था उसी पर आधारित है, थोड़ा सा उसका थोड़ा डेवलप रूप है। देखिए क्या है क्वेश्चन, इसमें यह है 4648 रुपए, कितने रुपए 4648 रुपए, ठीक है ये रुपए है, ये बांटा जाता है तीन लोगों में, हम मान सकते हैं ए बी सी में, इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें कहा गया है इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 4 गुना, पहले भाग का 4 गुना, पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना, दूसरे के 5 गुना तथा तीसरे भाग के 7 गुना बराबर है। भाई देखिए क्या होता है, हमने यदि ये लिख दिया 4a अनुपात 5b बराबर अनुपात 7c, और यदि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4a बराबर 5b बराबर 7c, ये तीनों दोनों का मतलब क्या है एक ही रहेगा, दोनों का मतलब क्या रहेगा एक ही रहेगा। अब देखिए यहां से हम आगे बताई चुके हैं इस वाले टाइप को बताई चुके हैं, इनके अनुपात देखिए हमें यदि बनाने हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे होगा, हमने क्या बताया था पीछे से गुणा करते चलिए आगे लिखते चलिए, और यदि आगे से गुणा करिए तो पीछे लिखते चलिए। हम मान चलिए तीन दोस्त हैं, तो पहले तीनों का आपस में एक एक बार हाथ मिलवाना है, तो सी देखिए सी पहले बी से हाथ मिलाएगा फिर ए से हाथ मिलाएगा, इनका आपस में हाथ मिलेगा, अब बचा बी, बी पहले किससे मिलाएगा ए से हाथ मिलाएगा, तो पहले देखते हैं पीछे 7 5 ए की वैल्यू आएगी 35 और 7 4 28, बी की वैल्यू कितनी आ गई 28, अब बचे सी की वैल्यू, तो 500 कितने हो गए, सी की वैल्यू कितनी आ गई 20 हो गई, ठीक है। अब देखेंगे हमारे अनुसार हो गए इनके पास पैसे, यदि इसे ए को 35 रुपए मिलेंगे तो बी को कितने रुपए मिलेंगे 28 और सी को कितने मिलने चाहिए 20 रुपए मिलने चाहिए। अब देखते हैं जोड़ के कितने हो गए 35 और 20 55 और 28 हो गए 83, कितने रुपए हो गए 83 रुपए बटे मिले आए इनके हिस्से में, लेकिन हमें बांटने कितने रुपए है भाई 4648 रुपए बांट रहे हैं, 4648 बांट रहे हैं, तो ये कट जाएगा 8 5 53 बार कट जाएगा, 56 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 56 बार कट जाएगा, ठीक है ये कितनी बार कट जाएगा 83 से 56 बार कट जाएगा। तो इसमें देखिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसने पूछा है तो दूसरे और तीसरे भाग के बीच अंतर, देखिए दूसरा भाग कौन सा ये है और तीसरा भाग ये है, इनके बीच कितना अंतर है, यदि बी को 28 रुपए मिल रहे हैं तो सी को कितने मिल रहे हैं 20 रुपए, तो अंतर कितने रुपए का भाई 8 रुपए का है। अंतर ये पूछा है हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आ गई 56 आ गई, तो हमारे पास 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 6 48 और आपका 8 5 40 40 और 4 44, कितना आ गया 448 रुपए, यही हमारा राइट आंसर होगा। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन को, देखिए हमने इस पद्धति से इसका अनुपात निकाल लिया, ये हमने कल भी क्वेश्चन बता दिया था, इसके द्वारा हमने तीनों को जोड़कर कितने बैठ गए 83 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कितना बता रहा है आपके 4648 रुपए, हमने 83 से 4648 डिवाइड किया तो ये आ गया 56, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 56, तो हमें पूछा है अंतर कितना होगा 28 और 20 में कितने का अंतर हो गया 8 हो गया, 8 को 56 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 448। हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि 56 की गुणा पहले 28 में करते जो हमारी जो रकम निकलती और फिर 56 की गुणा 20 में करते जो हमारी रकम निकलती, उनको दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते, लेकिन हमें क्या करना सॉर्ट करना है, देखिए क्वेश्चन सभी निकाल लेते हैं लेकिन हमें कम समय में करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है देखिए ये भी दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल 7 दिसंबर 2020 में थर्ड शिफ्ट में आया क्वेश्चन है, इसमें दिया है देखिए कि रुपए एक्स की एक धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है, तीन लोग कितने तीन है ए बी और सी, इनके बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात कितना है 3:5 है, ए और बी के हिस्सों का अनुपात कितना है 3:5 है, जिस हिसाब से अनुपात दे रखा हम पहले अनुपात लिखते चलेंगे, ठीक है 3:5 है, बी और सी के हिस्सों का अनुपात है 4:7, ये खाली जगह यहाँ रहेगी, बी और सी के कितना है 4:7 हो गया, यहाँ पर एक खाली जगह यहाँ पर रहेगी। हमने क्या बताया था अनुपात में किस पड़ोस वाली संख्या लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 4, अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे 4 3 12 520 और 5 7 35, ठीक है यदि कट जाता है तो काट लेते हैं नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे। आगे बोल रहा है
कि ए और सी के हिस्सों के बीच कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 2001 का अंतर है, किस किसके बीच, ए और सी के। देखिए ए कितना है 12 रुपए और बी कितना है 35 रुपए, तो दोनों के बीच कितने का अंतर हो गया 23 का अंतर हो गया, कितना हो गया 23 का अंतर हो गया भाई, 23 का अंतर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रहा है, ये दे रहा है कितना 2001, कितना दे रहा है 2001, तो देखिए कितनी बार चला जाएगा 8 बार, देखिए 23, 8, 184 कितने बचे 16 बचे, ये हो जाएगा 161, 23, 7, 161 कितनी बार चला गया, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई 87 आएगी। हमसे पूछा है कि पूरी रकम कितनी होगी, एक्स की वैल्यू मतलब पूरी की पूरी राशि कितनी होगी, पूरी राशि कितनी है भाई टोटल जोड़, यदि हम ऐसे जोड़ लेंगे तो पूरी राशि होगी, देखिए कितना हो गया 20 और 35 55 55 और 12 कितने हो गए 67, कितने रुपए हैं 67, एक रुपए की वैल्यू है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 87, तो 67 की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, यदि 87 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 67 में तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है ये आएगा आपका, करके देख लेते हैं 7, 7, 49, 4 और 7, 8, 56, 56 और 4 60 और आपका होगा 6, 7, 42 और आपका 6, 8, 48 और 4 52 ये आ जाएगा 9 और ये 2, 8, 5, 58, 29 रुपए आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 34, इसमें दिया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों पदों का मूल जो अंतर कितना है, दोनों पदों का अंतर कितना है 45, जो दो डिजिट है उनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई 45 है, और जो उसका जो मान दे रखा है वो दे रखा है कितना 4/7, क्या दे रखा है 4/7। देखिए इसमें क्या होता है, हम किसी भी कोई भी अनुपात है, यदि हम ये होता है 4/7 है, हम इसे 4/7 में लिख सकते थे और इसे क्या लिख सकते थे, यदि ए होता है या बी होता है इसके साथ में, और यदि क्या लिख सकते लिख सकते हैं 4/7 में लिख सकते हैं, तो इसे हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो देखिए अनुपात में यदि हम इसे लिखेंगे तो कितना हो गया 4/7 हो गया, दो पद हो गए, ये ए मान लिया, ये क्या मान लिया बी मान लिया। इसमें देखिए पहले की वैल्यू कितनी है 4 है और दूसरे की वैल्यू कितनी है 7, इनके बीच का अंतर कितना हो गया 3 हो गया, और क्वेश्चन में कितना अंतर दे रखा भाई 45, तो 3 से 45 को डिवाइड करेंगे कितनी बार कटेगा भाई 15 बार कटेगा। इसमें क्या पूछा है, ये पूछ रहा है कि दोनों पदों का वह अनुपात ज्ञात किए, 15/4 कितना हो गया 15/60 और 15/7 कितना हो गया 105, कितना हो गया 60/105। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ये जो क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है 9 बार में और ये दिल्ली पुलिस में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तृतीय अनुपात की मध्य अनुपात चतुर्थ अनुपात इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 43 में देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 5, 8, 15 के चतुर्थ समानुपाती और संख्या 12 और 30 के तृतीय समानुपाती का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले चतुर्थ समानुपाती निकाल के क्या होगा, ठीक है चतुर्थ समानुपाती निकाल के क्या होगा, देखिए संख्या दे रखी है कितनी 5, 8 और 15, देखिए चतुर्थ समानुपाती का मतलब चौथा अंग निकालना होता है, हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखा करते हैं कि 5:8 समान अनुपात और 15, इसमें पूछा है चौथी जो डिजिट है इसे आर मान लेते हैं, एक्स मान लिया आर फॉर रेशियो, जहां पर समानुपाती का चिन्ह आ जाता है वहां पर क्या करते हैं हम अंदर अंदर के डिजिटों की गुणा करते हैं, बाहर के बाहर को भी करते हैं। अब देखेंगे 5 की गुणा 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 R = 15 की गुणा 8 में करेंगे 15 × 8 = 120, तो कितना आ जाएगा आर बराबर कितना आ जाएगा आर बराबर 24 आ गया, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपाती कितना आ गया हमारा, चतुर्थ अनुपाती कितना आ गया हमारा 24 आ गया। अब देखते हैं इसमें दूसरा दिया है कि 12 और 36 के तृतीय समानुपाती की याद करें, 12 और क्या दिया है 12 और 36, ठीक है 12 और 36 दिया, 12 और 30 दिया है। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें पूछा तृतीय अनुपाती मतलब हमें तीसरा डिजिट, जैसे ये है हम इसमें क्या करते हैं, हमने 4 अंक लिखे मान लीजिए आर 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 और आर, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है तृतीय अनुपाती में, इसमें जो ये जो संख्या ये होगी ना वही संख्या ये होगी, क्योंकि जो हमारे इसमें सिर्फ जो चतुर्थ अनुपाती के लिए नियम बदलता है, बाकी मध्य अनुपाती में और आपके जो तृतीय अनुपाती में यही रहता है कि जो अगर जो रेशियो ये है ना इसके बराबर वाला भी वही होगा, ठीक है। हमारी कौन सी संख्या बची, दो संख्या है कौन कौन सी, 12 और 30। देखिए किस प्रकार से रखेंगे, 12 पहला R आ गया हमारा 12 अनुपात, दूसरा कितना आ गया 30, जब हमारा ये दूसरा 30 है तो हमारा तीसरा भी क्या आएगा 30 ही आएगा, और चौथा क्या रखेंगे हम R लिखेंगे, ठीक है। ये भी एक प्रकार से क्या तृतीय चतुर्थ अनुपाती की तरह ही निकाला जाता है, लेकिन इसमें क्या सिर्फ दो डिजिट ही होती है, ठीक है। अब देखिए दो जो अंक हैं इन्हें किस प्रकार रखना है, देख लीजिए लगातार रखेंगे और इसके बराबर वाला जो समानुपाती का चिन्ह है उसके बराबर वाला वही अंक होगा जिससे पहले वाला होगा।
बाहर बाहर की गुणा करेंगे, भीतर भीतर की गुणा करेंगे, भाई बारह की गुणा आर में तो बारह आर बराबर तीस की गुणा तीस में तो कितना आ गया नौ सौ आ गया, कितना आ गया नौ सौ आ गया, बारह से काटेंगे बारह सत्तर चौरासी छह बचे बारह पंजे सात, आर बराबर कितना हो गया आर बराबर हो गया पिछहत्तर। अब इसमें बोला है कि दोनों का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है चतुर्थ अनुपाती और तृतीय अनुपाती का। देखिए चतुर्थ अनुपाती का हमारे जो अनुपात कितना था चौबीस था और तृतीय अनुपाती का कितना है पिछहत्तर है। देखिए कितने से कट जाएगी तीन से कट जाएगी, तीन अट्ठे चौबीस, तीन से क्या बार काट देंगे पच्चीस बार काट देंगे, कितना आ जाएगा हमारा आठ अनुपात, आठ अनुपात पच्चीस आ गया हमारा क्वेश्चन, हाँ आठ अनुपात पच्चीस आ गया हमारा डी ऑप्शन। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम अपनी तरफ से देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्यानुपाती किस प्रकार निकाला जाता है। देखिए इसमें जो तृतीय अनुपाती की तरह ही क्या दी जाती है दो डिजिट दी जाती है। ठीक है जिस प्रकार तृतीय अनुपाती में दो अंक दिए जाते हैं उसी प्रकार इसमें दो अंक दिए जाते हैं, दो संख्या दी जाती है। ठीक है जैसे कि इसमें दे दिया क्वेश्चन, इसमें पूछ सकता है कि सोलह या फिर नौ, नौ और सोलह का मध्यानुपाती याद करें, मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है इसका सोलह और नौ और सोलह का। ठीक है मध्यानुपाती का मतलब होता है हमें बीस के अंक निकालने होते हैं, जैसे आर मान लिए हमने ये चार अंक मान लिए, इसमें मध्य वाले कौन से हैं दो, ये दो अंक निकालने होते हैं। ठीक है मैंने क्या बता दिया जो डिजिट ये होगी वही डिजिट ये होगी एक जैसे होते हैं, सिर्फ चतुर्थ अनुपाती के लिए नियम बदलता है। अब हम इन दोनों अंकों को किस प्रकार रखेंगे नौ और सोलह को। देखिए हमारे पहला अंक कितना है नौ, कितना है नौ, हमें मध्य अनुपाती निकालना है, मध्य मध्य वाले निकालने हैं तो यहां पर हम आर ही मान लेंगे, ये जब आर होगा तो ये भी आर होगा और दूसरा कितना है सोलह है, सोलह है। देखिए अब क्या करेंगे भीतर भीतर के अंकों की गुणा डिजिटों की, बाहर बाहर की गुणा, यदि हम आर में आर की गुणा करेंगे, देखिए यदि हम आर में आर जोड़ते हैं तो वो होता है टू आर और यदि हम आर में आर की मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं भैया, आर में आर की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा भाई आर स्क्वायर और यदि सोलह में नौ की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा एक सौ चौवालीस और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट एक सौ चौवालीस बराबर कितना हो जाएगा बारह, हमारे यही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे मध्यानुपाती का, मध्यानुपाती को क्लियर करते हैं, इसके लिए हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। ठीक है हमें देखिए उसी प्रकार निकालना है। ठीक है इसमें देखिए मध्य मध्य की गुणा करेंगे और बाहर बाहर की गुणा करेंगे, हमारे देखिए बाहर वाले अंक कौन कौन से, एक हो गया हमारा कौन सा, एक हो गया हमारा 9, दूसरा आर होगा ये भी आर होगा और दूसरा कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है भीतर भीतर की गुणा करेंगे, बाहर बाहर की गुणा करेंगे, आर में आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर हो गया और 25 निम्मा कितने हो गए 225, 25 निम्मा कितने हो गए 225 और आर बराबर कितना होगा भाई अंडर रूट 225 बराबर कितने का होता है 15 का होता है। ठीक है देखिए अब इसके बाद अगले जो क्वेश्चन है हम देखेंगे जो अगली वीडियो में, मिलते हैं आगे, जय हिंद।